दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ चुका हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो पेपर हुआ है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट का आंसर किया पेपर सॉल्यूशन लेकर के। और मेरे पास रोज़ की तरह आज भी सीरीज डी है, प्रश्न पत्र सीरीज डी है, और आप लोग अपने प्रश्न पत्र के हिसाब से मिलाइएगा। मैं प्रश्नों का मिलान शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। तो पहला प्रश्न है, किसी सरकारी नीति का उद्देश्य स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना है। तो दोस्तों जो ये आपका पहला प्रश्न है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्टार्टअप इंडिया। और दोस्तों आज का प्रश्न बहुत लंबा लंबा है तो मैं प्रश्नों को ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। दूसरा प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न पत्र सीरीज डी का, दूसरा प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी मेक इन इंडिया, ठीक है। और तीसरा प्रश्न में पूछा गया था SWOT विश्लेषण ताकत और कमजोरियाँ इसका संदर्भ देती है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर, तीसरा प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बाहरी कारक जो व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। और नेक्स्ट है चार नंबर प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन देशों को उद्यमियों की आवश्यकता है। तो दोस्तों दोनों देशों, यानी विकसित और विकासशील दोनों देशों को उद्यमियों की आवश्यकता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है पाँच नंबर प्रश्न में पूछा गया था, उद्यमशीलता के संदर्भ में उपलब्धि प्रेरणा क्या भूमिका निभाती है। तो पाँचवा प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी यह उद्यमियों को सक्रिय और नवोन्मेषी और सफलता के अवसर तलाशने के लिए प्रेरित करता है। और छठा प्रश्न में पूछा गया था स्वॉट विश्लेषण में अवसर और खतरे का तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा छठा का ऑप्शन ए, यानी बाहरी कारक जो व्यवसाय को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। और नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया नीति निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई थी। तो दोस्तों सातवां प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण का समर्थन करना और बढ़ावा देना। और नेक्स्ट है आठवां प्रश्न में पूछा गया था किस कार्यक्रम के उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों और लघु उद्यमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। तो दोस्तों ये जो हुआ था प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसमें गांव-गांव में जा करके क्या किया जाता था, जो भी नौजवान थे उनको स्वरोजगार के लिए उनको कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता था, तकनीकी नॉलेज दिया जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आठवां का ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY। नेक्स्ट है नौवा प्रश्न में, दोस्तों प्रश्न बहुत लंबा लंबा है तो मैं डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ। नौवा प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी औपचारिक शिक्षा और शैक्षणिक योग्यता का स्तर। और दसवां प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लघु उद्योगों एवं स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देना। और ग्यारहवां प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। और जो बारहवां प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CBD भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और नेक्स्ट है आपका 13 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नीतियाँ रणनीतियाँ तैयार करना। और नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका होगा 14 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वैश्विक बाजारों और निर्यातों के अवसरों तक पहुँच को सुगम बनाना। और 15 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शारीरिक आवश्यकताएँ, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 15 का। और नेक्स्ट है आपका 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, ये प्रश्न थोड़ा छोटा है, कृषि व्यवसाय में आर्थिक सुधारों की शुरुआत से निम्नलिखित हो सकता है। तो 16 का आपका बी राइट आंसर होगा, यानी पारंपरिक खेती से आधुनिक और वाणिज्यिक कृषि की ओर बदलाव। और 17 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कुशल और प्रतिस्पर्धी विपणन प्रणालियों के विकास को सुगम बनाना। और नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न में से पूछा गया था, इनमें से कौन सा उद्यमिता का एक प्रकार नहीं है। तो जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 18 का। 19 नंबर पूछा गया था प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है इसका आपका राइट आंसर होगा 19 नंबर का ऑप्शन ई, यानी अब्राहम मेस्लो ने दिया था। और 20 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा उद्यमी के लिए चुनौती नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उद्यमियों के लिए चुनौती कौन सा नहीं है, अपने देश में उद्यमशीलता के संचालन से संबंधित नियम एवं कानून को तैयार करना, ये उद्यमी का काम नहीं होता, ये सरकार का काम होता है। और नेक्स्ट है 21 नंबर में पूछा गया था, 21 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी उपलब्धि के लिए आवश्यकता, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रश्न है, पढ़ूंगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। और 22 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तकनीकी ताकतें, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। और 23 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उद्यम पूंजीदाता।
और 26 23 के बाद 26 है, ठीक है, 24 नंबर वाला प्रश्न का पेज नहीं है इसमें, और 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया था इनमें से कौन सी मिला, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं 24 23 के बाद मैं 24 नहीं मिलवा रहा हूँ, उसके बाद 26 नंबर प्रश्न आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो 26 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 26 नंबर जो प्रश्न इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, व्यवसाय कौशल विकास करना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो 23 नंबर के बाद में जो आपको 24 और 25 प्रश्नों का उत्तर नहीं बताया उसका भी प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए, सीरीज डी है मेरे पास, तो आपका 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, और क्योंकि इसमें पेज तो शामिल है लेकिन मेरे पास उत्तर है, तो 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और 25 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मिला लीजिएगा। और मैं 27 नंबर प्रश्न पर चलता हूँ, 27 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी व्यवसायिक अवसरों को पहचाने और नव प्रवर्तन करें और मूल्य बनाए, ठीक है, ये ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा 27 का। और 28 नंबर में पूछा गया था कुछ नया बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों मैं आपको बताया था ये वाला वीडियो में अपने, ये नवाचार या इनोवेशन कहलाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और 29 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी संगठनात्मक निर्णय। और 30 नंबर यानी 30वां प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा उद्यमिता विकास कार्यक्रम इसके लिए सहायक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ये भावी पीढ़ी के उद्यमी के लिए सहायक है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 31 नंबर प्रश्न, एक सफल उद्यमी के लिए कौन सा गुण आवश्यक है, तो 31 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बाजार की मांगों और ग्राहकों की प्राथमिकताओं को जो प्रश्न पूछा गया था एक सफल उद्यमी के लिए कौन सा गुण आवश्यक है, तो 31 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है, रचनात्मक अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान कौशल, ये इसका राइट आंसर होगा। और 32 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वाला, यानी पोर्टोफोलिया उद्यमी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका उद्यम शब्द की उत्पत्ति हुई, तो दोस्तों ये फ्रेंच वर्ड से हुआ था, इसको मैंने वीडियो में बताया था, ये वाला प्रश्न फंसा हुआ है। और भारतीय किसानों के लिए सर्वोत्तम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा है, तो दोस्तों उपयुक्त सभी जो हैं ये भारतीय किसानों के लिए सर्वोत्तम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्योंकि दोस्तों आजकल भारतीय किसान तो अनपढ़ गंवार है नहीं कि वो नहीं कर सकते, तो आजकल तो वर्तमान के ज़माने में आप टेलीविज़न कंप्यूटर सभी चीज़ जो है ये भारतीय किसानों के लिए एक सर्वोत्तम मीडिया के रूप में काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। और 35 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समूह विधि है, ठीक है, विधि प्रदर्शन क्या है, समूह विधि है, और स्वरोजगार का फायदा है दोस्तों, तो इस 36 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऊपर के सभी यानी सुविधाजनक काम के घंटे और कार्य के प्रकार चुनने की स्वतंत्रता और आय में वृद्धि की उच्च संभावना। और 37 नंबर प्रश्न में जो पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शहर के एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर, ठीक है। और जो 38 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, 38 नंबर का भी आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी बिना किसी बदलाव के मौजूदा बिजनेस मॉडल को की नकल कर, सॉरी ये 39 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, मैं गलत बता रहा था, 39 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अवसरों की पहचान करना और संसाधनों को व्यवस्थित करना और एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए पहल करना। और जो आपका 40 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर होगा 40 नंबर का ऑप्शन ए, यानी लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेशन, ठीक है। और 41 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक सफल उद्यम बनने के लिए व्यवसायिक अवसरों को पहचान करना और योजना बनाना और विचारों का क्रियान्वयन करना। और जो आपका 42 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 वाला का आपका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, 42 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी प्रोक्सेमिक्स। और जो 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों इसका उत्तर है मेरे पास नहीं है, तो जिसको पता हो कमेंट में बताइए, मैं उसका कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो 43 को स्किप करते हैं, 44 नंबर जो प्रश्न है इसको देखते हैं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऊपर के सभी, यानी सरकारी नौकरी में विस्थापन, व्यापार के प्रति जुनून और हमारे विचार पर विश्वास। और नेक्स्ट है संचार तत्वों के विश्वसनीय प्रदर्शन को कहा जाता है, तो 45 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी फिडेलिटी कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका उद्यमिता के जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों उद्यमिता के जनक आपके जो है ऑप्शन ए, यानी जोसेफ शूमपीटर को माना जाता है। और नेक्स्ट है उद्यमिता विकास का लक्ष्य क्या हासिल करना है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा 47 का ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी वाला में है व्यक्तियों एवं उद्यमशीलता कौशल और मानसिकता का विकास करना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 47 का। और 48 प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 48 नंबर में जो पूछा गया था इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी व्यक्तियों की अपना व्यवसाय शुरू करने और प्रतिबंधित करने की क्षमता बढ़ाना। और जो 49 नंबर प्रश्न है 49 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बाजार उदारीकरण और अर्थव्यवस्था का खुलापन। और जो 50 नंबर प्रश्न है इस वीडियो का प्रश्न जो 50 नंबर में सीरीज डी में पूछा गया था उसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उद्यमी अनुभवी उद्यमियों के सहयोग
और सीख को बढ़ावा देना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF नोट्स भी कुछ प्रोवाइड कराए जाते हैं पेपर टाइम में, तो आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करिएगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। और 151 नंबर प्रश्न में पूछा गया था आपसे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूछा गया था एक सक्रिय उद्यमी के समर्थ एक सक्रिय उद्यमी के यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है, कौन सी विशेषता जुड़ी होती है के साथ, कौन सी विशेषता जो एक सक्रिय उद्यमी के साथ कौन सा जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पहल करना और अवसरों का लाभ उठाना। और नेक्स्ट है नव प्रवर्तन का के नकारात्मक गुण, तो दोस्तों 52 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जटिलता, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी। और 53 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अनिश्चितता को स्वीकार करना और संभावित पुरस्कारों के लिए सोच समझ कर निर्णय लेना, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर का ऑप्शन सी यानी अभियान, ठीक है। 54 देखना ही विश्वास करना है, अवधारणा किसने किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये जो है आपका जो 54 नंबर प्रश्न है, तो 54 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सी नहीं होगा, ऑप्शन सभी होगा, जैसे प्रदर्शनी और परिणाम प्रदर्शन और अभियान है सभी होगा, ठीक है। देखना ही विश्वास करना है, अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये उपयुक्त सभी से संबंधित है, ठीक है। और 55 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करें, ठीक है। और नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ओपिनियन लीडर, खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों ये की कम्युनिकेटर या मुख्य कम्युनिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ताकत कमजोरियां अवसर व खतरे, ठीक है, ये इसको निर्धारित करता है, इसके बारे में ये काम करता है स्वोट। और नेक्स्ट है उपलब्धि प्रेरणा से तात्पर्य किस व्यक्ति की खाली स्थान से है, तो 58 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उपलब्धि प्रेरणा तात्पर्य किसी व्यक्ति के जो है ये आपका अपने प्रयासों में सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा। और नेक्स्ट है आपका स्वोट विश्लेषण एक रणनीति उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से के लिए किया जाता है, तो दोस्तों किसके लिए किया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका 59 नंबर प्रश्न है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ये आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों और बाहरी अवसरों तथा खतरों को पहचान करने के लिए। और 60वां और आखिरी प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दोस्तों, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप लोग को अगर करेक्ट पता हो तो आप लोग बता दीजिएगा, लेकिन कन्फ्यूजन है, 90% प्लस लग रहा है कि उच्च उपलब्धि प्रेरणा वाले व्यक्तियों की संभावना अधिक होती है, तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने और अनावश्यक जोखिम लेने से बचे, तो इसका ये वाला जो है ये ऑप्शन ए होगा, ये इसमें 90% हो सकता है सही, अगर फिर भी आपको 100% वाला पता हो तो कमेंट करिएगा, वरना यही ये ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए अग्रिम मस्ती को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।